माशाल्लाह जाहिर भी हैं और ये क्या इनके बच्चे भी जाहिर हैं माशाल्लाह, ये तो गोया गोया जाहिर इनके बाप हैं। तो खुदा ने इन्हें सआदत दी और ये शरफ अता किया। तो इन्होंने एक सिलसिला शुरू किया अवार्ड का। देखिए किसी के हक को तस्लीम कर लिया जाए इससे बड़ी इबादत नहीं है। किसी को उसका हक दे दिया जाए, किसी के हक को तस्लीम कर लिया जाए, ये इबादत अजीम इबादत है। और हम और आप जो ये मजलिसें कर रहे हैं, ये आज के दौर में ये सब माशाल्लाह सब खड़े हुए हैं। ये दिल्ली अलादारी वाले भी हैं, वो हसन भी हैं, हुसैनी अलादारी हैं और लोग भी हैं। इन्होंने एक काम शुरू किया, बहुत बड़ा काम शुरू किया। यकीनन घर बैठे सबको मुख्तलिफ मौजूदात के ऊपर इल्म इजाफा हो रहा है। कल तो ये दिल्ली अलादारी वाले एक नया काम कर रहे हैं माशाल्लाह, माह रमजान के हवाले से डॉक्टर्स को बुलाया है इन्होंने, उलमा को बुलाया है और उस सिलसिले में इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी कि डॉक्टर रोजे में क्या मशवरा देता है, उलमा उसका क्या हल निकालते हैं। ये सब लोग कर रहे हैं माशाल्लाह काम, लेकिन इन सब की खिदमत में माजरत के साथ, ये सोशल मीडिया जो है इसकी एक उम्र है, एक उम्र है, एज है इसकी। कुछ दिन के बाद सोशल मीडिया खत्म हो जाता है खुद ब खुद। सोशल मीडिया कोई भी हो उसकी एक उम्र होती है, एक एज होती है। जैसे रिवायत की एक उम्र है, ऐसी सोशल मीडिया की भी उम्र है, वो खत्म हो जाती है। लेकिन किताबों की उम्र कभी खत्म नहीं होती, किताबों की उम्र कभी खत्म नहीं होती, मैगजीन की खबर की उम्र कभी खत्म नहीं होती, अखबारात में जिसमें आर्टिकल्स लिखे जाते हैं उनकी उम्र कभी खत्म नहीं होती, वो फाइलें बनी रहती हैं। इसी तरीके की खिदमत हमारे बिरादर अजीज अंजुम भाई अंजाम दे रहे हैं, मोहम्मद अंजुम जाफरी साहब। मैं इनको गुज़िश्ता 20 साल से एज ए पी आर ओ हज कमेटी ऑफ इंडिया जानता हूँ। मैं हज कमेटी ऑफ इंडिया का पी आर हूँ, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। मैंने इनको 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया। इसके अलावा ये जितनी मजालिस हैं, आप खुद सोचें, अगर आप अखबार पढ़ते हैं खुद सोचें आप, इतनी मजालिस और महाफिल का जिक्र किसी अखबार ने निकाला जितना ये देते हैं। किसी महफिल का, किसी मजलिस का या किसी और दीदी तकरीब का जितना जिक्र इन्होंने किया है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भी 50 आर्टिकल उन्होंने छापे हैं, अगर कि मेरे आर्टिकल खास इनके नहीं और अखबार भी छपते मेरे छापे मेरे, तो बहरहाल इनकी खिदमत है। इन अफराद की तरफ हमारे शानू भाई और हमारे हाजी आसिफ साहब मुतवज्जे हुए और इन्होंने एक बड़ी फाउंडेशन बनाई जिसका नाम ही इरफान है, इरफान आले मोहम्मद। लेकिन जिसका इरफान ही से नाम शुरू हो तो वो मार्फत वाला ही होगा, जिसका नाम ही इरफान से शुरू हो रहा है, इरफान आले मोहम्मद। अगर आले मोहम्मद की मार्फत से किसी का नाम शुरू हो, किसी को आले मोहम्मद की मार्फत नसीब हो जाए तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहरहाल इन्होंने ये कबाड़ का सिलसिला शुरू किया है, इसके बाद अब हफ्तों हफ्ता तो बहुत से हैं सबके, एक साल वेट नहीं हो सकता था इसका। तो हर साल इन्होंने दो दो अवार्ड देने का फैसला किया और पहला अवार्ड आप ये भी वादा लगे हर साल दो दो होगा, अभी अब पहले ही काम करेंगे वाला। अभी और भी है, अभी और पहला अवार्ड बहरहाल इन्होंने जनाब मास्टर रियाज साहब को दिया, जो प्रिंसिपल है स्कूल के, राइट, इन्होंने इनको दिया। और मैं रियाज साहब के साथ 30 साल से, जब इन्होंने शायद पहली कश्मीरी 35 साल से शुरू किया, जो उस पहली तकरीब में था जब वो शुरू किया बहरहाल। और अब ये दूसरा अवार्ड हमारे मारूफ साहबी और मारूफ शायर और मुखलिस इंसान जनाब मोहम्मद अंजुम जाफरी साहब को दिया जा रहा है। मैं गुजारिश गुजार हूँ जनाब शानू साहब से, जो और इसका नाम भी देखिए कितना खूबसूरत है, इसका नाम भी, इस अवार्ड का नाम भी कितना मुख्तसर और क्या नाम है मारूफ रखा गया, अहम रखा गया है इस अवार्ड का नाम। एक मिनट दिखाई बात पढ़ने देता भाई, इनका नाम अवार्ड का नाम इन्होंने रखा है मुंतजर जैदिया। मुंतजर कौन है मालूम है? मुंतजर जैदिया अवार्ड। ये वो है जिन्होंने बुश के जूते मारे थे उस जली आदमी को, चुरी जली जली है और ये भी देने वाली जली है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, बहुत बेबाक, बहुत बेबाक साहबी है, तो इसीलिए इसीलिए उससे बड़ा दाम नहीं था जो अमेरिका के राष्ट्रपति का जूता मार दे, इसलिए उसी ने जनाब
جاوید زیدی شانو صاحب سے اور جنرل سیکرٹری جناب آصف علی زیدی صاحب سے اور تمام علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور محمد انجم جعفری صاحب کو یہ ایوارڈ دیں. اسلام کا ایران کا بہت بڑا دشمن تھا جس کے جوتا مارا اور راشٹرپتی ہوتے ہوئے اس سے بڑا جو ہے منتظر زیدی ایوارڈ اسی لیے اور بے باک ہمارے بھائی ہیں صحافی اور یہ اس میں آئیے آئیے تم بھائی آپ کو شعر نہیں پڑھنے دیے گا تب تفریح شروع کر دیا بہت 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 مبارک ہوئی ماشاء اللہ زندہ باد میرا ہاتھ بھی تو بدل جا رہا ہے میں نے کبھی بھی کسی بھی ایوارڈ کی خواہش نہیں کی. بھائی ایک منٹ پہلے اٹھا بھائی فرمان ہے جو میرے عزیز بہت پرانے دوست ہیں انہوں نے ایک مرتبہ غازی اکیڈمی میں ایک پروگرام کیا تھا اور مجھے ایوارڈ دے دیا بہت بزد تھے آپ کو یاد ہوگا میں نے منع کیا تھا میں نے کہا مجھے ایوارڈ وہاں سے بے شک بے شک اور باخدا یہ میرے لیے ایک معجزہ ہے کہ مولا نے مجھے اپنے دربار میں بطور ذاکر بلایا تو میرا ایوارڈ تو مجھے مولا دیکھ چکے اب تو میں ایکسٹرا ورک کر رہا ہوں لوگوں کی طرح درود پڑے محمد اللہ محمد دیکھیے میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں اور اس کے بارے میں نہ تو ماسٹر جی کو پتا تھا کچھ بالکل نہ ہی انجم بھائی کو کچھ بھی پتا تھا کچھ نہیں پتا ایک لمحے تک ان کو کچھ نہیں پتا تھا باپ خدا مولا گواہ میں بیت السلام ہوں کچھ نہیں پتا تھا اگر یہ پتا ہو جاتا ان کو ہو سکتا ہے کہ یہ نہیں بھی آتے یا کچھ تو شکایت کرتا ہے ایسا نہیں کرو تو یہ سرپرائز دیا ہم نے اور چار سرپرائز ہو رہے ہیں وہ انشاءاللہ لاسٹ میں دو منٹ کے اندر کر دیں گے انشاءاللہ چونکہ سلسلہ کافی لمبا ہو گیا ہم معذرت چاہتے ہیں اس کے لیے اور میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرنا چاہوں گا خادم ادب اردو زبان کی خدمت کرنے والی شخصیت اس عظیم شخصیت سے گزارش گزار ہوں کہ اس نے دلی میں مسلسل 11 سال دلی اردو اکیڈمی میں بطور سیکرٹری زبان کی خدمت ان کی خدمات بہت ہیں کبھی تفصیل گفتگو ہوگی اس پہ بھی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں استاد محترم بزرگ جناب سید مرغوب حیدر آبدی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں آپ حضرات ضرور سنتے استقبال تاریخ اسلام جان خطرے میں تھی سمجھتا تھا کتنا چالاک ہو گیا تھا تو واہ کتنا چالاک ہو گیا تھا تو واہ جان خطرے میں تھی سمجھتا تھا کتنا چالاک ہو گیا تھا تو ہم سمجھتے ہیں منہ دکھانے کو ہم سمجھتے ہیں منہ دکھانے کو جو مسلمان ہو گیا تھا تو یہ محفل
अब शाबान का महीना है और इसमें यहाँ के पास यहाँ के सनत का तस्करा ना हो तो कुछ नहीं होता। लहजा कहें कि खुशरले मुल्क के वफा अब्बास है, खुशरबे ममलकते मुल्क वफा है अब्बास, माफ कीजिएगा, खुशरबे ममलकते मुल्क वफा है अब्बास, बिल यकीन वो पिसरे शेर खुदा है अब्बास, वो पिसरे शेर खुदा है अब्बास, नाज करती है वफा और शिजात जिस पर, नाज करती है वफा और शुजात जिस पर बाखुदा फातिमा ज़हरा पिसर है, वाह 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 सुभान अल्लाह, बाखुदा क्या कहते हैं, चार पांच अशआर जनाबे जनाबे कोबरा की शादी वाह अर्ज करता हूँ कि मिसरा मिला था नौगावा सादात में, पसे कतले शहीदी नायब शबीर है ज़ैनब, उस पर सिर्फ पांच छह अशआर, अली की रूह ताजा मकसदे शबीर है ज़ैनब, अली की रूह ताजा मकसदे शबीर है ज़ैनब, नबी के दीन की मुंह बोलती तस्वीर है, दीन की मुंह बोलती तस्वीर है ज़ैनब, इन्हीं ने हर जगह खुतबों से अपने कर दिया साबित, इन्हें हर जगह खुतबों से अपने कर दिया साबित, यजीद यजीद नैस जालिम और बेतकसीर है, नैस जालिम और बेतकसीर है ज़ैनब, न कोई पूछने वाला था बादे सैयदे अकरम, न कोई पूछने वाला था बादे सैयदे अकरम, है जो इस्लाम जिंदा आपकी तदबीर है ज़ैनब, जो इस्लाम जिंदा बस तेरी तदबीर है ज़ैनब, और रहा करें हमेशा हक जिंदा हो गया दुनिया को अंदाजा, हमेशा हक जिंदा हो गया दुनिया को अंदाजा, खुदा शाहिद तेरे खुतबों की ये तासीर है, दो शेर और मजाक रहे किसी सिलसिले के, अजाने मस्जिदे नामे इलाही आज तक जिंदा, अजाने मस्जिदे नामे इलाही आज तक जिंदा, ये सब ला रहे तेरे ख्वाब की ताबीर है ज़ैनब, अज़ाने मस्जिदे नामे इलाही आज तक जिंदा, ये सब ला रहे तेरे ख्वाब की ताबीर है ज़ैनब, आखिरी शेर इस सिलसिले का, रहेगा दीन जिंदा हश्र तक किसकी जमानत है, रहेगा दीन जिंदा हश्र तक इसकी जमानत है, पसे कत्ले शहीदी नायब शब्बीर है। हजरत एक मिसरा और हुआ था कि हैबते शेर खुदा अब्बास की जागीर है, इस पर लहजा कहें कि अपने हर गम का मदावा मातमे शब्बीर है, अपने हर गम का मदावा मातमे शब्बीर है, हादसों के वास्ते गाजी खुली शमशीर, हादसों के वास्ते गाजी खुली शमशीर है, मिधते अब्बास है तू है तेरी तकदीर है, मिधते अब्बास है तू है तेरी तकदीर है, बस के ये मरहूब तेरे ख्वाब की ताबीर है, अब्बास है तू है तेरी तकदीर है, बस के ए मरहूब तेरे गैरे के मुकाबिल तू नहीं है, ए यजीद दिल बड़े ज़हरा है,
इब्ने शाह खैबर खीर है, दिल बड़े जहरा है, इब्ने शाह खैबर खीर है, खाट खाली हो गया लो हट गई फौजें तमाम, खाट खाली हो गया लो हट गई फौजें तमाम, हैबते मुश्किल कुशा अब्बास की जागीर है, बते मुश्किल कुशा अब्बास की जागीर। एक खुतबे से पलट कर रख दिया दरबार शाह, एक खुतबे से पलट कर रख दिया दरबार शाह, गर्चे ऐ आफिक तुम्हारे पांव में जंजीर है। और कहा है कि एक खुतबे से पलट कर रख दिया दरबार शाम, एक कैदी ने कि जिसके पांव में जंजीर है, एक कैदी ने जिसके पांव में जंजीर है, इसलिए है दम खुद ये 700 कुर्सी नशीन, इसलिए है दम बखुद ये 700 कुर्सी नशीन, शाम के दरबार में जैनब तेरी तकदीर है।